फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नवीस ट्रेवल चैनल। नया दिन, नए सफर की शुरुआत, और सफर वो भी हिंदी वाला। और चल पड़े हम गुलमर्ग की ओर। गुलमर्ग वैसे तो फेमस है एज ए स्की डेस्टिनेशन और विंटर स्पोर्ट्स के लिए, बट इसमें भी दो फेसेस हैं। गुलमर्ग की जो गंडोला राइड है उसमें भी दो फेसेस हैं। जो पहला फेस है वो ये विंटर एक्टिविटीज के लिए, जैसे स्की, स्नो ट्रकिंग, स्नो बोर्डिंग और बाकी सब विंटर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। बट उसका जो सेकेंड फेस है वो बहुत अच्छे व्यूज़ के लिए फेमस है, और वहाँ पे आर्मी का एक कैंप भी है जो कि आर्मी का स्की स्कूल हुआ करता था कभी। अभी वो वॉरफेयर आर्मी का सेंटर है ऊपर, बट उससे भी ऊपर आप ट्रैकिंग करके जा सकते हो और वहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज़ मिलेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो गंडोला राइड बुकिंग करने के लिए गुलमर्ग में वैसे तो अक्सर लोग एक महीना या 15 दिन पहले प्लान करते हैं कि पहले बुकिंग कर देते हैं, क्योंकि इसके स्लॉट अक्सर बुक हो जाते हैं, अवेलेबल नहीं होते। बट ये है साइट वो जेके केबल कार जहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हो इस चीज़ की। आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको फर्स्ट फेज तक जाना है या सेकंड फेज तक जाना है। फर्स्ट फेज जो है वहाँ पे बेसिकली आपको बहुत सारे एक्टिविटी करने को मिल जाएंगे, जैसे कि स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग, वो सब एक्टिविटीज आपको सिर्फ फर्स्ट फेज पे मिल जाएंगी, तो आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करना है और आपकी डेट सिलेक्ट करनी है जब आपको जाना है, और ये 3 स्लॉट। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सेकंड फेज की भी बुक कीजिए, क्योंकि सेकंड फेज ही है जहाँ पे आपको अनटच स्नो मिलेगी और ब्यूटी मिलेगी बहुत अच्छी। लेकिन सेकंड फेज तक जाने के लिए आपको दोनों टिकट लेनी पड़ेंगी, फर्स्ट और सेकंड की। फर्स्ट वाले की टिकट है 740 एंड सेकंड वाले की टिकट है 950, सो दोनों मिला के अप्रॉक्सीमेटली 1700 की टिकट पड़ जाएंगी आपको। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जाओ गुलमर्ग, सिर्फ फर्स्ट फेज तक मत जाओ, आप सेकंड फेज भी कवर करो। वहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, अच्छी ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। अगर आपको एक्टिविटी को प्रेफरेंस करनी है और सिर्फ एक्टिविटी ही करनी है तो आप फर्स्ट फेज तक जा सकते हैं। ड्रॉबैक ये है फर्स्ट फेज का कि आपको थोड़ी सी क्राउड ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे, और सेकेंड वहाँ पे आपको ब्लैक आइस बहुत मिलेगी, थोड़ा कीचड़ मिलेगा आपको वहाँ पे ज़्यादा, जबकि सेकेंड फेज में ऐसा कुछ नहीं। गाड़ी में गाने ना मिले तो खुद ही गुनगुनाने लग जाते थे हम। ये देखिए, तरह से व्यू मिलेंगे आपको गंडोला राइड में। कुछ लोग तो ट्रैकिंग करके भी जाते हैं फेस वन तक, फेस टू तक तो अलाउड नहीं है, बट ये देखिए नजारे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गुलमर्ग फेमस है बेसिकली विंटर स्पोर्ट्स के लिए, विंटर एक्टिविटीज के लिए, और लेकिन यहाँ काफ़ी बॉलीवुड की मूवीज़ की शूटिंग भी हो रखी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब तक है जान, ये जवानी है दीवानी, हाईवे, हैदर, बॉबी, इन सब की शूटिंग भी पहले से हो रखी है। और यहाँ इनफैक्ट 2020 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी हुई थी, गुलमर्ग में ही ऑर्गेनाइज की गई थी। डिसाइड किया कि हम पहले फेज टू जाते हैं, फिर आके फेज वन कवर करेंगे। आप इन लड़कों का जोश देखिए फेस टू। फेस टू आ चुके हैं हम। और ये गंडोला राइड का फेस टू पॉइंट है जो कि है 13,500 फीट, और यहाँ के नज़ारे देखने लायक है। आपको पूरे गियर पहन के आना पड़ेगा तभी आप इसका लुत्फ उठा पाएंगे। यहाँ पे बर्फ ही बर्फ। हमारे दोस्त बेदवीर और संदीप अच्छे से पत्थर देख के बैठ के गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू करती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। और अगर आप सपोज कुछ लेके नहीं आए हो, जैकेट या फिर ग्लव्स या स्नो के शूज, तो आपको नीचे रेंट पे मिल जाएंगे 100-200 में, बेस पे ही जहाँ पे आपका केबल कार शुरू होती है वो आपको वहाँ पे रेंट पे मिल जाएंगे। ये देखिए कश्मीर की वादियाँ, हम हैं इस टाइम गुलमर्ग की वादियों में, और इस तरफ है पीओके, और वादियों के नज़ारे लिए जा रहे हैं। ये सारी हिमालयन रेंज है इधर पूरी,
क्लाउड्स हैं, आप पूरा व्यू देख सकते हैं पूरे होराइजन में और आज स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है, सो यू हैव टू गियर अप, आपका पूरा गियर के साथ आना पड़ेगा। बोल ही रहा तो इतने में हल्की हल्की स्नोफॉल होने लग गई, पीछे भैया ने बोल बोल के स्नोफॉल में कॉफी एंड मैगी हमको खिला दी है। फिर स्नोफॉल में मैगी खा के मजा आ गया, ये मैगी और कॉफी मिल रही है मस्त, और यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है गुलमर्ग में। फेस वन आए कुछ एक्टिविटीज करने के लिए, जैसे हमने करी स्नो बाइक राइड, क्योंकि 1000 रुपए तक बार्गेनिंग कर सकते हो, वो आपको 2 पॉइंट्स तक ले जाता है पीछे बिठा के और यू कैन टेक ए राइड। और इसके अलावा स्कीइंग भी आपको 1500 से 2000 में आप 2 घंटे तक कर सकते हो, जितनी आप नेगोशिएट कर पाओ उससे। गुलमर्ग से अच्छी अच्छी यादें समेटे हम आगे फिर नीचे, इससे नहीं हम आए गंडोला से। बर्फ की कमी लग रही थी तो रात को नीचे आके आइसक्रीम खाने का मन हुआ, तो आ गए हम इस कैफे में। भैया क्या नाम था कैफे का? आइसबर्ग कैफे, फेमस फॉर कॉफी एंड आइसक्रीम एंड फ्रूट सैलेड विद आइसक्रीम, वेरी नाइस। श्रीनगर में मस्ट प्लेस है विजिट के लिए। तो आइसक्रीम से डे एंड करके नेक्स्ट डे हमारा प्लान बना उरी जाने का। तो उरी के लिए हमारे एक फ्रेंड से बात हुई, जिससे हमें आर्मी से परमिशन मिली स्पेशल वहाँ तक जाने के लिए, पीओके तक, फ्रेंडशिप ब्रिज तक जाने के लिए, अमन कमन सेतु तक। तो फिर हम उसके लिए चल दिए। दो किलोमीटर छोड़ने से पहले लास्ट चेक पोस्ट पे आर्मी ने हमें बोला था कि अगले 2 किलोमीटर तक गाड़ी मत रोकना, क्योंकि साइड में सारे बंकर्स थे जेलम के राइट साइड पे पीओके के, तो कभी भी शूटिंग हो सकती है, तो गाड़ी मत रोक। हमें बॉर्डर एरिया पे परमिशन मिली है फ्रेंडशिप ब्रिज तक जाने की, और फ्रेंडशिप ब्रिज से आगे बॉर्डर देखने के लिए, पाकिस्तानी बॉर्डर नियर उरी। परमिशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट एंड कमांड पोस्ट के बाद 2-3 किलोमीटर और आगे जाने की परमिशन है। ये साइड में झेलम नदी बह रही है अलॉन्ग साइड बॉर्डर ऑफ उरी। ये है ब्रिज इंडिया पाकिस्तान का, अमन ब्रिज, कमान अमन ब्रिज। ये 2005-2019 तक चलता था, और इसमें 75% इंडिया का है और 25% पाकिस्तान का है, और त्यौहार वगैरह में, ईद वगैरह में, दिवाली, न्यू ईयर पे मिठाइयाँ एक्सचेंज करते हैं फौजी एक दूसरे के साथ। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको पाकिस्तान दिखेगा पूरा, ये पूरा पीओके है, और पीओके के अलावा ये देखिए उनकी 2 फ्लैग लगे हुए हैं, एक पाकिस्तानी फ्लैग है और एक पीओके फ्लैग है। और ये आप उनके बोर्ड भी देख सकते हैं, ये सारे बंकर लगे हुए हैं, कैमरास लगे हुए हैं सेम दोनों साइड पे, एंड वो उस इस्लामाबाद के रोड और ये उनका पीओके का एरिया है, ये उनके फ्लैग हैं, एक पाकिस्तान का है, एक पीओके का है। ये है झेलम वैली रोड झंडे का, पीओके बॉर्डर और फ्रेंडशिप ब्रिज देखने के बाद हम चले उरी की ओर। उरी में एक तो मिला हमें प्राचीन पांडव टेंपल, जो हमने विजिट किया पहले, सबसे पहले फिर हम गए गुरुद्वारे, गुरुद्वारा छठी पातशाही उरी। ये है उरी का गुरुद्वारा छठी पातशाही का, इसके पास है झेलम नदी, और ये है कश्मीर की वादी। फिर हमने मत्था टेका
और बाबा जी से पूछा लंगर मिलेगा तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा अभी बना देते हैं, आधा घंटा रुको। तो हम फिर लंगर खा के वहां से चले। लंगर खाने के बाद फिर हम चल दिए श्रीनगर की ओर। रास्ते में बारामूला के आसपास बहुत सारे एप्पल ऑर्चिड्स भी मिले, जो इस टाइम सीजन नहीं था, बट अगर जिस जब सीजन होगा तो बहुत अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पहलगाम। पहलगाम के अंदर बेताब वैली, चंदनवाड़ी, आरू वैली और उसके साथ साथ उसके बाद वैष्णो देवी की चढ़ाई। और स्टे ट्यून्ड।